अब गैलेक्सी A32 अगर आप परचेज करना चाहते हो एक बजट फोन 20,000 के आसपास तो ये एक अच्छा ऑप्शन है सैमसंग की तरफ से। इस प्राइस में अगर मैं बात करूं अदर कंपनीज की तो यहाँ पे काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स, लेकिन सैमसंग की थोड़ी बिल्ड क्वालिटी बाकियों से मुझे बेहतर लगती है, अच्छी लगती है, और जो प्रोडक्ट है लंबे टर्म तक आपका साथ देता है। तो सैमसंग गैलेक्सी A32 करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी और 64 MP का कैमरा, क्या कमाल दिखाते हैं इस फोन के अंदर, चेक करते हैं। बोलते ये ना सैमसंग गैलेक्सी A32 बॉक्सिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा स्पेक्स मेंशन नहीं है, जो हाईलाइट फीचर्स है वो यहाँ पे लिखे हैं जो हम अंदर देख लेंगे, तो इतनी मतलब पढ़ाई करने की जरूरत है नहीं अभी। तो बॉक्स के अंदर क्या है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है एक सैमसंग की ब्रांडिंग का लीफ, फोन आ जाता है यहाँ पे, फोन को रखते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे एडेप्टर की बात कर ले तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग एडेप्टर मिल जाता है जिसका जो वोल्टेज है वो आपको 9 वोल्ट का एडेप्टर मिल जाता है। इसके बाद जो चार्जिंग पोर्ट है इसका वो टाइप सी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आपको टाइप सी केबल मिल जाती है, और इसके अलावा बॉक्स में और कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो इसको करते हैं साइड में, इसको भी करते हैं साइड में, और इसके बाद बात कर लेते हैं फोन की। बोल तो लुक एंड फील की बात कर ले की, तो लुक एंड फील काफी प्यारा है, काफी डायनेमिक लगता है। यहाँ पे बॉडी जो है स्लीक सी है और मतलब हैंडी है काफी, ऐसा बहुत ज्यादा बल्कि आपको फील नहीं होगा फोन को हैंडल करने में। पीछे जो बॉडी है एग्जैक्टली ग्लास नहीं है, हम कह सकते हैं ग्लास्टिक बॉडी है बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है प्लास्टिक और ग्लास का। पीछे कैमरे का सिस्टम है, कैमरे में थोड़े से बम्प्स हैं जो ये 3 कैमरे, बाकी सब जो है वो बॉडी के अंदर फिट है, बट ये आप नोटिस करोगे तो ये थोड़े से बम्प दिख जाते हैं। यहाँ पे फ्रंट में बात कर ले तो फ्रंट में आपको सिंपल एक कैमरा मिल जाता है और ऊपर आपका ईयर पीस मिल जाता है। इसके अलावा इस तरफ आपको सिम ट्रे मिल जाती है जहां से आप सिम को डाल सकते हो, माइक्रो SD कार्ड वगैरह डाल सकते हो। इधर वॉल्यूम रॉकर बटन्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको पावर की मिल जाता है। इसके अलावा नीचे बात करें तो टाइप सी का जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन है, ईयरफोन है, और यहाँ पे स्पीकर आ जाते हैं आपके, और एक ऊपर भी आपको माइक्रोफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात कर ले तो यहाँ पे ये कैमरा आपको 5 MP का मैक्रो लेंस कैमरा मिल जाता है, इसके बाद 8 MP का ये कैमरा मिल जाता है, उसके बाद 64 MP का आपको मेन कैमरा मिल जाता है, और इसके साथ यहाँ पे 8 MP का एक और कैमरा मिल जाता है। ये आपका अल्ट्रा वाइड कैमरा हो गया ऊपर वाला, 64 जो हो गया आपका मेन लेंस हो गया मेन कैमरा, और उसके साथ ये जो लास्ट वाला होता है ये आपका हो गया डेप्थ कैमरा। इसके साथ यहाँ पे LED फ्लैश मिल जाता है। प्रोसेसर की बात कर लें 2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाता है आपको, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो जल्दी से यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। तो ये फाइनली फोन रिबूट हो गया है। हम थे डिस्प्ले पे, डिस्प्ले जो है काफी कमाल की है, और यहाँ पे जो क्वालिटी है जो दिख रही है यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो फुल HD प्लस आपको फील हो रहा है। साउंड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, तो यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी रियली अच्छी है। बात करें कैमरे की तो कैमरे के स्पेक्स मैंने बता दिए, इसकी कुछ क्लिक शॉट हम देख लेते हैं। तो ये रहे शॉट जो मैंने क्लिक किए, ये सारे सैंपल देखने के बाद फाइनल जजमेंट ये है कि कैमरा बहुत ज़्यादा वाव नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब आपका काम चल जाएगा। ऐसा आप एक्सपेक्ट करोगे बहुत हाई क्वालिटी फोटोज तो वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। परफॉर्मेंस की बात कर ले फोन की तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, जो एडेप्टर के साथ मिलता है, तो बैटरी बैकअप भी काफी अच्छी है, एक पूरा दिन आपका आराम से निकल जाता है। और यहाँ पे गेमिंग वगैरह मैंने करके देखी फोन में तो कभी कभी हल्का सा लैग आपको देखने को मिलता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वो लैग नहीं मिलता है। 90Hz का रिफ्रेश रेट है इसका, तो कुछ आप नेविगेट करोगे तो वहां पे भी आपको ज्यादा इशू देखने को नहीं मिलेगा। जो पेज लोड होते हैं, जो कंटेंट लोड होता है, वो भी यहाँ पे काफी जल्दी जल्दी लोड होके आपको यहाँ पे मिलेगा। सेंसर इसमें सारे बेसिक मिल जाते हैं, और बात कर ले सिक्योरिटी की तो वो यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूम करता है बिकॉज आपको हर एंगल से अपनी फिंगर की स्कैनिंग देनी होती है यहाँ पे। तो बात करना फोन को अनलॉक करना है तो सिंपल आप फिंगर को यहाँ पे रखोगे और इस तरीके से आपका फोन यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूम होता है, और आपको मेक श्योर करना है कि आप जो फिंगर है बिल्कुल सही जगह पे पोजीशन कर लो, इधर उधर आप लगाओगे तो वहां पे
आपकी जो रीडिंग है ये नहीं लेगा। इसके अलावा अगर फिंगर वेट है या फिंगर में कुछ लगा हुआ है आपके, इन डेथ केस ऑल्सो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो यार ये था सैमसंग गैलेक्सी A32 20,000 की प्राइस रेंज में। अगर आपको कोई फोन चाहिए तो अच्छा ऑप्शन है, इससे बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन ये भी वन ऑफ द ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि सैमसंग का एक ब्रांड नेम है और सैमसंग की एक जो बोलते ना क्या क्वालिटी है वो इस फोन के अंदर मेंटेन की गई है। हाँ कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत ग्लिचेज हैं, थोड़ा मतलब परफॉर्मेंस को लेकर थोड़े बहुत बग्स हैं, लेकिन वो आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो कभी कभार आते हैं। रेस्ट ऑल सारी चीजें काफी बेहतरीन है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और बस आपका प्यार ऐसे बना रहे। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।